बोल छोरी, ये क्या कर रही थी तू? जी मैं क्या कह रही है, बकरी है कि तू? अरे पिताजी, आपकी आंखें खराब हो गई हैं के? जो आपको ये भी नहीं दिखाई दे रहा कि इच्छा बबल के गले लग रही थी। ना ना, मेरी आंखें तो ठीक है। ना 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 पिताजी, इब बहाने बनाना बंद कर दो। हम सबको पता चल चुका है कि आपकी आंखें खराब हो चुकी हैं। सर ये बताइए कि ये कितनी उंगलियां हैं? तीन। गए पिताजी, चार हैं ये। ना ना, एक तो मैं तोड़ने वाला हूँ। चुप करो। छोड़ो दादी जी, आप इससे पूछिए, जब बबल जी ने रिश्ते के लिए मना किया तो ये क्यों इतना खुश हो रही है? अरे नगीना, उससे कुछ ना होएगा। पहले इससे पूछो कि ये इतनी खुश क्यों थी। बबल ने तो शादी के लिए मना किया था ना। अम्मा जी, मुझे तो लागे इस छोरी की याददाश्त ना और बिगड़ती जा रही है। दुख के मौके पे ये खुशी मनाती है और खुशी के मौके पे ये रोती है। मतलब बबल की शादी पे ये रोएगी और किसी की मौत पे हंसेगी। पक्का ये एक ना एक दिन फंसेगी। अब तो लगता है किसी के सुख दुख में भी शामिल होने के लायक नहीं है ये। ना लायक तक यो बात पे नहीं ठोक रही है, दिल से कह रही है, दिल से। कोई नहीं, बेचारी परेशान है, थोड़ी ठीक हो जाएगी। हम अरे बस करो। बता छोरी, के बात है, ये गले लगने का के मतलब है? अब वो दादी जी, मैंने बब्बल जी को गले इसलिए लगाया ताकि ये टूटे रिश्ते से उनको जो दुख पहुंचा है वो दूर हो जाए। जब मेरे नकली माता पिता आए थे और इतनी गड़बड़ हुई थी, उसके बाद मैं बहुत दुखी हुई और अप्पू ने तब मुझे गले लगाया और सांत्वना दी, है ना अप्पू? हाँ हाँ, गले लगाया था ना मैंने, बस वहीं से सीखा मैंने। आज बब्बल जी इतने नाराज थे तो मैंने सोचा इन्हें गले लगाना चाहिए। बिल्कुल सही किया इच्छा। जब दिल टूटता है ना दादी, तो अच्छा लगता है कोई दिलासा दे। मगर ऐसे गले लग के सबके सामने? चाचू, उस बेचारे की तो याददाश्त चली गई है ना, तो इसी के पता कि दिलासा देने के लिए गले मिलना जरूरी नहीं होता। लेकिन ये तो खुश भी बहुत हुई ना। क्यों, जब बब्बल जी ने रिश्ते के लिए मना किया तो तुझे किस बात की इतनी खुशी हुई? बता छोरी, तू इतना खुश क्यों थी? बता। खुश मैं? बोल 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 बोल। अरे चुप बोल बोल बावले। हाँ बोल। बोलने तो दे से। हाँ बोल। जी वो बबल जी के विचार और आप लोगों से उनका प्यार देख के मुझे खुशी हुई। मतलब आपके परिवार में इतना प्यार है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बबल जी को लड़की पसंद भी थी, फिर भी उन्होंने मना कर दिया, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। ठीक है, चलो यहाँ से। चलो चलो। अरे कहाँ जा रहे हो? पहले इससे पूछो तो ये इतनी खुश क्यों थी। हाँ बस चल, मैं बताऊंगा, आ जा। चल, अरे चल। इच्छा ध्यान से, अगली बार से ऐसा हुआ ना तो दादी ऐसा पटक के मारेंगी कि सच में याददाश्त चली जाएगी। हाँ अप्पू, आइंदा से मैं ख्याल रखूंगी। चल। Thank you.
बबल जी आप यहाँ? क्या बात है? अच्छा, बहुत खुश दिखाई दे रही हो तुम। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा है? तुम्हारे चेहरे पे एक अलग ही रंग है आज। मैं दिखाता हूँ। नहीं नहीं बबल जी नहीं। अरे इच्छा घबरा के रही हो, फोटो ही तो खींच रहा हूँ मैं। नहीं बबल जी, अरे छोड़ो इच्छा। अरे इच्छा हाथ उठाओ। नहीं बबल जी नहीं। इच्छा हाथ उठाओ। बबल जी नहीं। इच्छा नीचे करो। नहीं बबल जी, नहीं बबल जी, नहीं नहीं। ये क्या है इच्छा? क्या है ये? क्या? इच्छा भूल मत कि तू एक नागिन है। बबल जी और तेरे बीच में कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्यार तुझे और बबल जी को तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दे सकता। इसलिए बबल जी को भूल जा और अपने अभियान पर ध्यान दे। भैया। हाँ क्या है? रुको तो सही। यो क्या है? मेरा दिल है। अच्छा, अरे लेकिन ये तो कुछ हुआ ही ना। अरे छुआ ना, अरे पूरा तो पकड़ा हुआ है मैंने इसे। अरे ना भाई, वो सब टीवी वाले कहते रहते हैं ना। क्या कहते रहे मैं? दिल देके देखो, दिल देके देखो, दिल देके देखो जी। तो मैंने सोचा एक बार देख ही देख लूं, लेकिन तो कुछ भी ना हो रहा। अरे तू बावला ही रहेगा, वो सब टीवी पे नया प्रोग्राम आ रहा है, उसका प्रोमो है वो। ओ, मतलब दिल देके देखो सब टीवी पे देखो। हाँ, और ये दिल लड़की को दिया जावे, लड़के को ना। क्या बात कर रहे हो भाई, उसमें तो लड़के को भी देते हुए दिखाया है। अच्छा? हाँ, एक लड़की ने दिया था। अरे वही तो, लड़की लड़के को दिल देवे और लड़का लड़के को दिल देवे। भाई अगर एक दूसरे को ही देना है तो अपना अपना अपने पास रखो ना। अरे मेरे बस की ना है तुझे समझाना, वो सीरियल देख लिए सब समझ में आ जाएगा। भाई लेकिन दिल देके देखो कब आना ये तो समझा दो। हाँ हाँ, सब टीवी पे 18 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार हर रात 10:30 बजे। ओ, ये सही है, मतलब 5 दिन समझाएंगे मुझे तभी तो समझ आएगा। 18 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार हर रात 10:30 बजे दिल देके देखो। मम्मी मम्मी बेटा टोक मत, मैं तेरे लिए भी चॉकलेट लेके आऊंगी। नहीं मम्मी, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए मेरे बेटा को? मम्मी मुझे ना कल की स्कूल से छुट्टी चाहिए। नहीं नहीं बेटा, कुछ और मांग ले, स्कूल की छुट्टी मत मांग। तेरे पापा को पता चल गया मैंने तेरे स्कूल की छुट्टी कराई है तो तेरे साथ साथ मुझे भी डांट लगेगी। तू जा यहाँ से, मैं बाजार होके आती हूँ। अरे मम्मी,
अब तो पापा से छुट्टी मांगने का एक ही रास्ता है। इच्छा, 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 तुम रो क्यों रही हो इच्छा? नहीं अप्पू, वो बस मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ रही थी। तू पता तुझे क्या हुआ है? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? देखा इच्छा, देखा, तुमने मेरा दुख देख लिया ना? और एक मेरी मम्मी है जिन्हें मेरी खुशी की कोई परवाह ही नहीं है। अच्छा, तेरी खुशी है क्या वैसे? कल स्कूल से छुट्टी। पर स्कूल जाना तो अच्छी बात है ना अप्पू? अच्छी बात है, लेकिन अगर मन ना हो तो जबरदस्ती नहीं जाना चाहिए। अब एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। कैसे? अरे सिंपल है, तुम पापा के पास जाना, उन्हें कहना कि कल मुझे स्कूल ना भेजे। सिंपल। हाँ, और वो मेरी बात मान जाएंगे ना? अरे अच्छा, तुम सही कह रही हो, पापा तुम्हारी बात तो नहीं मानेंगे, लेकिन मेरी मम्मी की बात तो मानेंगे ना? अरे अच्छा संभालो। नहीं नहीं नहीं, ये धोखा। अरे धोखा नहीं है, चौका है। अरे मतलब अच्छा आइडिया है, तुम मम्मी बन के पापा के पास जाना, उन्हें बोलना और वापस आ जाना। अरे काम खत्म। काम खत्म नहीं, मैं खत्म ना पापा ना, मैं पकड़ी गई तो। सही है अच्छा, सही है। इतने दिन मैंने तुम्हारे राज छुपा के रखा और अपना वादा निभाया। वैसे जरूरी नहीं है कि तुम भी अपनी ऐसे दोस्ती निभाओ, सब मेरी ही गलती थी, जाता हूँ मैं। हाँ, नहीं नहीं अप्पू रुक जा। ड्रामेबाज, बता करना क्या है? मेरी अच्छी माँ। सुनो जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे कौन सी खाली बाल्टी है जो भरनी है, सच बता कि बात क्या है। अरे चौंक गई ना कि मुझे कैसे पता है कि बात कुछ और है। अरे लोग तो वही सुनते हैं जो दूसरे कहते हैं, पर तेरा पति तो दिल की बात भी सुन लेता है। मैं तो ये कहने आई थी कि अप्पू की तबीयत थोड़ी खराब है, कल उसे स्कूल ना भेजे, ठीक है? नहीं भेजते हैं, पर तू मेरे पास तो आ जा। हे नागुमी देव, प्रबल भैया के पास गलत समय पे आई मैं। अरे तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? कहीं ये खुशी से नाच तो ना रहे? ये प्रबल भैया तो प्रेम लीला का मन बनाए बैठे हैं। छोड़ो भैया। हैं छोड़ो सैया। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? हैं मैं तो तुझे ब्याह के लाया हूं, भगा के थोड़ी ना लाया हूं। एक बात बता ममता, तुझे ना लगता कि अब अप्पू के छोटे भाई बहन को आ जाना चाहिए? हैं देख, हम देश की आजादी में तो सहयोग दे ना सके, कम से कम देश की आबादी में तो सहयोग दे सकते हैं। नहीं ये सही नहीं है। अच्छा अब तो सही है, आजे जल्दी से मौके का फायदा उठा लेते हैं। इच्छा, इससे पहले कि बात आगे बढ़े तू भड़क जा। यहाँ क्या दिवाली की सेल लगी हुई है जो मौके का फायदा उठा लो? देश की तरक्की में सहयोग दो, फालतू की बातों में सहयोग देने की कोई जरूरत नहीं है। अप्पू को तो अच्छे से संभाल नहीं सकते, एक और बच्चा लाके मेरे ऊपर बोझ रख दो। ममता कैसी बात कर रही है तू, ऐसे तो ना थी पहले कभी। आज ही तो बनी हूँ ना। मेरा मतलब आप हमेशा मुझे उल्लू बनाते रहते हो ना, खबरदार मेरे पास भी आए तो, समझे? कुछ भी हो जाए इस हफ्ते मेरे बिल्कुल पास मत आना, वरना ये ममता बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएगी। अरे हाथ धोते। हे माता रानी, ये तो बड़े दिनों से खुला ना है ना, इसके लिए इसका ये हाल है। एक काम कर ममता, इसमें से सारे कपड़े निकाल के इसे अच्छे से साफ कर ले और ढेर सारा कपूर डाल दे इसमें, ताकि कीड़े भी मर जाए और बदबू भी। दादी पहले हम कपूर डालकर चेतावनी दे देंगे इन कीड़ों को कि यहां से चले जाओ। तो एक काम कर,
एक नोटिस लिख के बक्से में डाल दे कि कृपया करके आप बक्सा खाली कर दीजिए वरना कार्रवाई होगी। दादी ये फोटो किसकी है? अरे होगी किसी ये खड़क के भाई तारे ताऊ जी शंकर की फोटो है। ताऊ जी मगर पहले कभी आपने बताया नहीं। खड़क और चंचल को पता है, तू भी बाकी सबको ना बताइयो, ज्यादा दुख बांटने से अच्छा ना हुए, समझी? जी लेकिन कहीं चले गए थे ये, कुछ हो गया था इन्हें? ना ना छोरी ऐसा कुछ ना हुआ था, घूमने फिरने का बड़ा शौक था इसे, जब मन करता घूमने चले जाता था बिना किसी को बताए। 30 साल पहले जो गया वापस ना लौटा। अरे लेकिन कहाँ गए? कुछ साल पहले खबर मिली थी कि वो राजस्थान में, वहां जाके ढूंढा, वहां से भी वो चला गया था, फिर न उसकी कोई खबर आई न वो खुद आया। भगवान करे शंकर ताऊ जी जहां कहीं भी हो कुशल से हो। पता नहीं कहां होगा कैसा होगा।
घर वाले कहाँ हैं? क्योंकि जब तक तेरे घर वालों को खत्म ना कर दूं, मैं शांति से नहीं बैठूंगी।